हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेपाल जो है उन्होंने साफ तौर पर चाइना को बाहर कर दिया है। बिल्कुल हाँ, आप देखेंगे चाइना जो है उन्होंने अपने आप में इन्वेस्टमेंट्स करने की उनकी आदत है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत। तो वो कई सारे आप देखोगे म्यांमार में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आप देखोगे कनेक्ट कर रहे हैं, वहीं आप देखोगे सीपेक में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाहे म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सबको वो डेट ट्रैप में फंसाते हैं। ठीक है, मालदीव्स में भी आप देखेंगे फिलहाल के लिए वही चीजें चल रही हैं। तो यहां पर हाल ही में इन्होंने एक नया जो एयरपोर्ट है, पोखरा एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है नेपाल को। और इसको बनाया किसने है, तो दरअसल चाइनीज कंपनी एक है जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, तो उन्होंने इसको बनाया है। और ये दरअसल आप देखोगे सिर्फ सफेद हाथी की तरह ही है, क्योंकि पिछले आप देखोगे दो साल में लगभग मतलब छह महीने के अंतराल पर एक जो है वो फ्लाइट जो है वो आता है, और वो जो फ्लाइट आता है वो चाइना से ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो अगर ये रहेगा तो फिर इससे क्या ही रेवेन्यू निकलेगा। और चाइना फिर से उस लैंड को, जैसा कि आपको पता है कि वो लीज पर लेने का काम करते हैं, जैसे कि हंबनटोटा पोर्ट श्रीलंका का और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो नेपाल को भी वो उसी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो नेपाल है इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करना चालू कर दिए हैं कि चाइना का क्या मकसद है। और ओवरऑल इन्होंने हाल ही में आप देखोगे तो जो टिकटॉक ऐप है उसको भी बैन करने की बात करी है। फिलहाल बहुत ही कम कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन किया है, भारत उसमें से फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने बैन किया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो बांग्लादेश ने किया था लेकिन फिर वो हटा लिए हैं, पाकिस्तान का भी वही हाल है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं। और अभी भी यूके यूएसए जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि डेटा प्राइवेसी जो है वो कितना बड़ा चीज हो चुका है। उन्होंने चाइनीज टिकटॉक ऐप पर अभी भी बैन नहीं लगाया है, लेकिन नेपाल जो है वो इस चीज को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भारत के प्रेशर में नेपाल ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन आपको हम बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे जो उनके यूथ हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है टिकटॉक ऐप से, और इस वजह से वो टिकटॉक ऐप को जो है वो बैन करना चाह रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे अभी ऑफिशियली मतलब किस तरीके का बैन होगा वो तो डिस्कस नहीं किया गया, जैसे भारत में कंप्लीट बैन है क्या वो उस टाइप का होगा या पार्शियल होगा, तो जो भी होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेपाल जो है वो दो बड़े झटके जो है वो चाइना को दे चुका है, और ये दर्शाता है कि नेपाल और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं। और अब नेपाल को भी समझ में आ रहा है कि चाइना जो है वो सिर्फ यूज करने के लिए ही बना हुआ है, और इसीलिए वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे भारत के साथ रिश्ते वापस से इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं भारत के लिए भी, क्योंकि भारत हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम अपनाते आए हैं। हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं। हम हमेशा G20 का जब हमने समिट भी होस्ट किया तो हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी, हम हमेशा शांति की बात करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के रिश्ते भी यहाँ पर इंप्रूव होते आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे $216 मिलियन का सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। अब अगर इंटरेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट भरने के लिए नेपाल को $3.2 मिलियन एनुअली पे करना पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ी बात है। और अगर ये रीपे नहीं कर पाएंगे तो फिर वापस से डेट लेना पड़ेगा, या तो फिर ये एयरपोर्ट जो चाइना ने बनाया है, भाई बनाया उन्होंने है, तो फिर वो BOT मॉडल जो है उसके तहत वो खुद ही उसको रख लेंगे, और जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक वो उसको मेंटेन भी करते रहेंगे, ऑपरेट भी करते रहेंगे। और इसी को लेकर के आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कि नेपाल इज इन्वेस्टिगेटिंग न्यू एयरपोर्ट मेड बाय चाइना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो लगे हैं कि इस चीज को देखने में एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी में भी सवाल उठाया गया है, चाइनीज ने बनाया है तो आपको पता है चाइनीज क्वालिटी के लिए कितना इनफेमस है। आपको भी पता होगा कि चाइनीज लाइट्स जब आप लाते हो तो भाई एक दिवाली में आपने जलाया दूसरे दिवाली में वो नहीं जलेगा, तो इसीलिए सेम वही हाल है यहाँ पर भी। इसीलिए हम कहते हैं कि दिवाली में दिए जो है वो ज्यादा हम जलाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का भी जो है उसको लेकर के सवाल उठाया गया है। फिर ओवरऑल आप लोकल मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि जो एजेंसी है वो 20 से ज्यादा कंप्लेंट्स उनको मिल चुके हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का एयरपोर्ट पर, तो ये सवाल उठाता है क्योंकि 20 से ज्यादा कंप्लेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिउटर्स का आर्टिकल कि नेपाल टू बैन टिकटॉक एलिजेस डैमेजिंग सोशल इम्पैक्ट, क्योंकि आपको पता है ये इस प्रकार के ऐप हो गए हैं जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर जो सोशल वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं वो डिमिनिश होते जा रहे हैं। कई बार इस टाइप के मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है, सेक्सुअल अब्यूसिव कंटेंट जो है वो दिखाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं चाहे फिर वो एक रिलेशनशिप हो चाहे फिर वो एक मतलब आइसोलेशन में होता जा रहा है इंसान। अब इस केस में क्या होता है कि फिर वो डिप्रेशन के शिकार में बहुत आसानी से जा सकता है, क्योंकि
वो सोशली सबसे आइसोलेट हो चुका है। अब उसके जीवन में कोई भी समस्या जब आती है तो फिर ये सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स बहुत कम काम आते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई उसको साथ दे, समझाए उन चीजों को, तब वो उस चीज से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑलरेडी कटा हुआ होता है सभी से, तो फिर ये इस टाइप के ऐप्स जो है, ये तो वीडियो इन्फ्लुएंसर्स ऐप है, अपने टैलेंट को दिखाने का ऐप है, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चक्कर में कुछ इस प्रकार की भी गतिविधियां हो रही थी जो होनी नहीं चाहिए। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो, जैसा कि आपको हम बताएं, कि गलत कंटेंट को दिखाने में किया जा रहा है। अब इसमें जब बच्चे भी इसी प्रकार के कॉन्टेंट को ग्रैप करेंगे तो उनका दिमाग उसी प्रकार से बचपन से बनता जाएगा, यानी कि वो किसी और चीज में डाइवर्ट हो चुके होंगे रादर देन कि उसका इस्तेमाल वो सही दिशा में अगर करते तो इसीलिए नेपाल ने ऐसा निर्णय लिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो नेपाल ने चाइना से भी, दरअसल ये थोड़ा सा एक दो महीने पहले का आर्टिकल है कि नेपाल आस्क्स चाइना टू रेस्पेक्ट इट्स 2020 मैप, काठमांडू मेयर कैंसिल्स चाइना विजिट, ठीक है। इवन जो ग्लोबल सिक्योरिटी अलायंस है चाइना का, उसका भी नेपाल हिस्सा बनने से मना कर दिया है। हालांकि जो रेलवे और हार्बर प्रोजेक्ट के तहत जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो तो चालू रहेंगे, लेकिन आप देखोगे जो नया मैप इन्होंने वर्जन जारी किया था, ठीक है, चाइना ने, आपको पता होगा, जिसको उन्होंने भारत के भी कुछ टेरिटरीज को अपना बताने की कोशिश की, तो नेपाल का भी कुछ टेरिटरीज को अपना ही बताया था, तो इसीलिए नेपाल ने उनको चेताया है कि भाई इस प्रकार की आप गतिविधियां ना करें, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं साउथ एशियन कंट्रीज को भी पता है, भूटान के साथ में भी वो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि भारत के लिए उसको कितना मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि भूटान के साथ हमारा एक पीस ट्रीटी भी साइन है, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी साइन है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकन स्नेक कॉरिडोर सिलीगुड़ी, तो आपको पता है डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ये प्रॉक्सी ना बना दे, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और ठीक है, बॉर्डर टेंशन अपनी बात है, जब हमने भी मैप जारी किया था तो नेपाल ने भी उस चीज को लेकर के कहा था, लेकिन इस प्रकार से हम सॉवरेनिटी का अपना सम्मान करते हैं और दूसरे भी देशों का सम्मान करते हैं, लेकिन चाइना जो है वो इम्पोज करता है उस चीज को और जबरदस्ती मतलब वो उसी को सच मानने की बात करते हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप की जो है वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे किस प्रकार से निकल के आता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे चाइना जो है वो फंडामेंटली कमजोर होता जा रहा है, और एपेक का जो मीटिंग है तो उसमें भी चाइना जो है वो यूएसए से मिलने की बात हो रहा है, तो कितना कुछ होगा अभी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो चाइना के ऊपर धीरे धीरे पाइल अप होता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भारत के लिए भी एक बहुत अच्छा बात ये होगा कि भारत उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी में भुना करके और बेहतर चीजों को कर सके, हम अपने नेबर्स को साथ लेकर के चल सके, और जैसा कि हमारा नारा है तो हम इसको आगे भी बढ़ा सके। तो इस वीडियो से तो खैर इतना ही, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।